दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का फैलाव इतना अनंत है कि यहाँ जब भी किसी चीज की खोज होती है तो हर बार कुछ हमें नया मिलता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पृथ्वी में भी कई ऐसी जगह हैं जो कि असीम है। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना खोज किया जाए कम है। इसकी गहराई में कई ऐसी राज छिपे हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र कितना गहरा है और यह कितना बड़ा है। समुद्र का जन्म। दोस्तों, आखिरकार समुद्र का जन्म हुआ कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है और आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों के माने तो समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरा विशाल गड्ढे से हुआ है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल हुआ ये, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब हमारी पृथ्वी आग के गोले के रूप में अंतरिक्ष में तैर रही थी, और जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए, और ठंडी होने पर यह बादल काफी भारी हो गया और इनसे लगातार कई वर्षों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। हालांकि पृथ्वी का सतह उस टाइम गर्म हुआ करता था, इसलिए उस वक्त जो भी पानी बरसता वह फिर से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। दोस्तों, लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलता रहा। जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई तब इसमें पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन बारिश होने का यह सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, पृथ्वी के निचले हिस्से में यह पानी भर चुका था। पानी से भरी धरती की सतह का यह विशाल गड्ढा ही बाद में समुद्र कहलाया। आज भी हमारे धरती के सतह पर कई महासागर मौजूद है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और महासागर की अगर बात करें तो उनमें पृथ्वी की सारी पानी का लगभग 96.5% हिस्सा है, यानी कि पृथ्वी पर लगभग 76,70,14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा समुद्र फैला हुआ है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर 1/3 हिस्सा में पानी है, जिसे जल मंडल कहा जाता है, और इसी जल मंडल के कारण हमारे पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देती है, जिस वजह से हमारे ग्रह को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद है, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर है, जिनमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर मानी जाती है। दोस्तों, प्रशांत महासागर को लैटिन में पीसफुल कहा जाता है, यानी कि शांत महासागर। दोस्तों, दुनिया का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा में फैला हुआ है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह फिलीपींस के तट से लेकर पनामा तक 9,544 मील चौड़ा है। दोस्तों, प्रशांत महासागर पूरे विश्व के महासागरों का 45.8% है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी माना जाता है। इसका मेन डेप्थ 4,280 मीटर है, जबकि इसका मैक्सिमम डेप्थ 10,911 मीटर है। दोस्तों, अकेले प्रशांत महासागर में ही तकरीबन 21,000 से भी ज्यादा द्वीप है। प्रशांत महासागर की सीमा कनाडा, अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित कुल 55 देश मौजूद है। दोस्तों, इसकी गहराई इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों, धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी अगर इस महासागर में समा जाए तो यह तकरीबन 1 मील तक पानी में डूबा रहेगा। दोस्तों, इस सागर का सबसे गहरा स्थान मरीना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। इसकी गहराई 11,034 मीटर मापी गई है, वह भी केवल एक ही बार मापी गई है, इसके बाद आज तक इसे दोहराने की कोशिश नहीं की गई है। दोस्तों, इस समुद्र की गहराई में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर जीव जंतु के बारे में आज भी हम मनुष्य अनजान हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही और किस टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहोगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।